Welcome to Community Debate. I am your host Halima Sadia. Community के अंदर लोग जो बहुत सा काम कर रहे हैं हमारी community का फैलाव और उसकी बढ़ती हुई ज़रूरियात, उसके साथ साथ उसके मसाइल और उसके अंदर एक्टिव लोग, उन सब को हम लेके आते हैं. इन सब पे हम गुफ्तगू करते हैं कम्युनिटी डिबेट के अंदर. आज एज यूजुअल मेरे पास जो दो मेहमान हैं वो हमारी कम्युनिटी से बहुत अटैच्ड हैं. एक तो आर्टिस्ट हैं जो कि गाना गाती हैं और उसके साथ साथ उनका अपना प्रोफेशनल एक पूरी लाइफ है और उसके साथ एक कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी के अंदर. हम उनसे बात करेंगे. फौजिया खान साहिबा हैं. उनके साथ साथ हमारे पास कम्युनिटी की एक बहुत ही सरकर्दा एक्टिविस्ट हैं जो कि कम्युनिटी यूनिटी इन कम्युनिटी के नाम से एक उसके अम्ब्रेला के अंदर काम करती हैं. कम्युनिटी को डिफरेंट तरह सर्विसेज देती हैं. प्रोफेशनली वो इंजरी सर्विसेज करती हैं और उसके साथ साथ उनका एक बहुत अच्छा कायरोप्रैक्टिस का बिजनेस है जो कि वो चलाती हैं. तो उनका नाम है रुबीना ज़ुल्फ़कार. आप दोनों को आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद. थैंक यू सो मच हलीमा. थैंक्स फॉर हैविंग अस हियर. सबसे पहले फौजिया आपसे शुरू करूँगी. फीमेल आर्टिस्ट सिंगर हैं, कब से हैं और क्या देखती हैं? ओके, सिंगर आर्टिस्ट कब से हैं? गाने का शौक जब से था बचपन से है और यहाँ पे आके अपने ऐसे निजी प्रोग्राम्स में गाया और हमेशा जो भी प्रोग्राम्स होते थे तो जहाँ पे बोलते थे चलो भाई गा लो, गा दिया. फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रोफेशनल लेवल पे ले लिया कि चलो आप गा ही रहे हैं तो वाई नॉट. क्योंकि पहले ये चीज़ें इतनी हमारे मुल्क में कहाँ इतना अलाउ करते हैं कि आप जाइए और गाएं और सब कुछ मज़े करें. लेकिन यहाँ पे तो आपको चलो ये आसानी है कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक आपको अच्छी जगह है और आप गा सकते हो तो वाई नॉट. रुबीना आपकी तरफ आऊँगी. जी, दो डिफरेंट प्रोफेशंस हैं जो आप करती हैं. एक तो आप कम्युनिटी के अंदर बहुत प्रोफेशनली डोनेशंस का काम करती हैं, जो इंटीग्रेशन का काम करती हैं, यूनिटी का काम करती हैं और एक तरफ इंजरीज का. तो ये कॉम्बिनेशन कितने अरसे से चल रहा है और क्या देखती हैं आप इसमें? मैंने जो अपना इंजरी का पर्सनल इंजरी का किया है वो तो तकरीबन 7 to 8 ईयर हो गए हैं मुझे इस प्रोफेशन में. और उसके बाद यूनिटी इन कम्युनिटी के साथ मैंने अपने आप को जब लाई थी मैं, तो तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हम इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हुए. तो वी वर द पायनियर्स एक्चुअली. तो हमारे जो लीडर थे उन्होंने जब ये स्टार्ट किया था उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया और उन्होंने कहा कि हम इसको ऐसे ऐसे चलाएंगे, सारी कम्युनिटी को लेके टुगेदर चलेंगे. तो मैंने कहा कि विच इज़ रियली गुड आइडिया, वाई नॉट, कि जब हम जो कनाडा में आ गए हैं तो हमें चाहिए कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो हमें हर डाइवर्सिटी के साथ मिलके तो काम करना चाहिए. तो फिर अपनी सबसे बड़ी बात यह है कि आप जहाँ पर हलीमा रहते हो वहाँ पर आपकी एक पहचान होनी चाहिए. तो मैं इसके ऊपर स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि आप अपनी पहचान को लेके हमेशा चलो ताकि लोग आपको जानें पहचानें कि आपका तअल्लुक कहाँ से है, कहाँ से आप आए हो, आपकी रूट्स क्या हैं. और फिर उनके साथ आप अगर आप सबसे बड़ा मकसद तो यही होता था मेरे हमेशा दिल में यही था कि मैं किसी तरीके से इंसानियत की खिदमत कर सकूँ. तो आई मीन विच इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म कि मैं लोगों की हेल्प भी करती हूँ. एक्चुअली मेरा प्रोफेशन इसके साथ बहुत रिलेटेड है. मैं लोगों को बहुत ज़्यादा एजुकेट करती हूँ. उनको सबसे पहले तो मेरा यही है कि मेरी जो मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है इसके. एक घंटा मुझसे बात करें, 2 आवर्स बात करें, जितना भी मुझसे चाहे आप मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं विदाउट एनी हिडन थिंग. मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ कि आई मीन इट्स गुड फॉर देम. हर किसी को पता होना चाहिए आप रोड पर जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हुआ है, वट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप. तो फिर मैं इसके लिए उनको पूरा प्रिपेयर करती हूँ कि आपको आगे किस तरह करना है, क्या करना है. आपको पुलिस को बताना है, आपने अपने आप को पैनिक नहीं होने देना. आपके उसके बाद फिर अगर आपको मेरी जहाँ पे सर्विस चाहिए मैं हाज़िर हूँ, मुझे आप एनी टाइम कॉल करें, मुझसे जो हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगी. फौजिया खान, फीमेल आर्टिस्ट और पाकिस्तानी कम्युनिटी ख़ास तौर पर कैनेडा में, आपका क्या एक्सपीरियंस है? उनका क्या रवैया है? क्योंकि फीमेल्स अभी हमारी बहुत बहस होती है ना कि बहुत सा काम होने की जरूरत है. तो आर्टिस्ट आर्ट इटसेल्फ बहुत मुश्किल एरिया है, काफी मुश्किल काम है. तो फीमेल आर्टिस्ट के तौर पे तो बहुत मुश्किल है. तो आपको कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी जो सो कॉल्ड सिंगर्स अपने आप को कहते हैं वो बहुत हार्डली आपको आगे आने का चांस देते हैं कि उनको लगता है कि मतलब
थोड़ा आपको हार्ड टाइम तो देते ही हैं, और ये कि अगर आप ये समझते हैं कि लोग आपको सब ये चाहते हैं कि भाई आइए फ्री में, आए फ्री में गाएं, इंजॉय करें महफिल को, अच्छा मतलब वो लोग सारे लोग खुश होना चाहते हैं और उसको एंजॉय करना चाहते हैं, पर पेमेंट की जहाँ बात आती है वहाँ पे थोड़ा परेशानी आती है, आर्टिस्ट को एप्रिसिएशन नहीं, बिल्कुल नहीं है। और आप क्या समझती हैं कि क्या इसको एज अ प्रोफेशन लेके इस पे फुल टाइम रहा जा सकता है, रहना मुमकिन है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं, स्पेशली यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है। आप सर आप किसी पर आप ये सोचें कि आप सिर्फ सिंगिंग करके अपना आराम से चला सकते हैं घर बार, नो नो वे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि या तो आप बहुत हाई फाई किस्म के आला किस्म के सिंगर हो जिसको लोग नाम ही काफ़ी होता है, वो आप जाएँ और लोग छा जाएँ और लोग आपके लिए तड़प रहे हों, आपके टिकट्स ऐसे बिक्र, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत कंपटीशन, यहाँ पे मेरे ख्याल में सिंगर के लिए सिर्फ सिंगर होना ही ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं एज ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र, वो मेरा फुल टाइम वर्क है, ये मैं एज ए पार्ट टाइम अपने शौक के लिए करती हूँ और इंजॉय करती हूँ। आई लव म्यूज़िक, दैट्स व्हाई आई जॉइन। रुबीना, आपकी तरफ आती हूँ, आपको कायरोप्रैक्टर्स क्लिनिक का ही ख्याल क्यों आया और फिर पर्सनल इंजरी का ही ख्याल क्यों आया? आपने कैसे सोचा कि ये एक बहुत अच्छी फील्ड है, दो ये वाकई बहुत अच्छी फील्ड है, तो इससे कम्युनिटी को, कम्युनिटी के अंदर आपने सर्विसेज का कैसे सोचा? बिल्कुल, आपने ये जो मुझे क्वेश्चन किया है, ये दोनों एक्चुअली मेरे ये जो प्रोफेशन दोनों ही मेरे हैं और ये बहुत हैंड टू हैंड हैं, कम्युनिटी की सर्विस करना और अपने प्रोफेशन के साथ उसको लेके आगे चलना। मुझे एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो हैं वो ख़ुद ओन करते हैं रिहैब क्लिनिक, ये जो है गुड हेल्थ रिहैब के नाम से एक हमारा रिहैब सेंटर है जिसको वो ओन करते हैं। तो उन्होंने जब, लेकिन मेरा पर्सनल इंजरी में मेरा ख्याल इनसे पहले आया, मैं उससे पहले थी पर्सनल इंजरी में। तो फिर एक्चुअली उनकी मुलाकात उनके किसी फ्रेंड से हुई जो उन्होंने उनको बताया कि आई मीन के उन्होंने उनकी काफ़ी हेल्प की इस सिलसिले में। तो उन्होंने उनके अपने भी काफ़ी गुड हेल्थ, अपने भी रिहैब सेंटर थे, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की। तो उन्होंने कहा कि आई मीन अगर आप खोलो, क्योंकि हम एक्चुअली मूव होकर यूएसए से आए थे, हमने डिफरेंट फील्ड में ट्राई किए थे बिज़नेस करने के लिए लेकिन सक्सेस नहीं मिली थी। तो आई मीन वन ऑफ आवर फ्रेंड जो कि हमारे मोहसिन ही समझ लें कि उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया कि आप इस फील्ड में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ट्राई कर लें, अगर सक्सेसफुल हो गए तो ठीक है, आप ट्राई करने में तो कुछ नहीं जाता। वाकई फिर हमने उन्होंने हेल्प भी की, हमने ट्राई किया और मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत की और उन्होंने, क्योंकि थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस था बिज़नेस का, पीछे से हम यूएसए से में उनके काफ़ी बिजनेसेस थे, तो वो जब आए तो उन्होंने फिर इसको कहा कि मैं एज अ बिज़नेस तो कर ही रहा हूँ, दूसरे साथ ये है कि मेरा एक और मकसद भी इसमें पूरा हो रहा है कि मैं अपनी कम्युनिटी की हेल्प भी कर रहा हूँ। क्योंकि ज़ुल्फ़िकार काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हैं, एक्चुअली यहाँ पे ओहैप इसको कवर नहीं करता। इसके लिए आपके पास या तो प्राइवेट इंश्योरेंस होनी चाहिए या आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए कि आप अपना जाके, तो क्योंकि आप देखें कि डाउन द रोड हर किसी को ज़रूरत पड़ती है, मसल्स वीक होते हैं, बोन्स वीक होती हैं, कहीं ना कहीं तो आपको ज़रूरत पड़ती है फिजियोथेरेपी की। अनटिल कि हमारे कनाडा में इसको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता, जिन लोगों के पास इंश्योरेंस है वो भी यूज़ नहीं करते। बाकी अगर आप मैंने ऑस्ट्रेलिया में जाके देखा, वहाँ पर हर जगह पर ये रिहैब क्लिनिक खुले हुए हैं और आई मीन दे डोंट नीड अ रेफरल, वो जस्ट वॉक इन जाते हैं और अपने आप को, यंग लोग भी जाके तो अपने आप का करवा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मसल्स और बोन्स नहीं के साथ ही तो उनकी सारी लाइफ है जो कनेक्ट है, उसी के साथ वो आगे चल सकते हैं। तो फिर जब मेरे हस्बैंड का ये क्लिनिक उन्होंने खोला तो उन्होंने देखा कि कई लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने एक छोटा सा अपनी कम्युनिटी की तरफ से वो गिफ्ट देते हैं उनको कि जिसके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है मैं उनके लिए फ्री हाज़िर हूँ और जहाँ तक हो सकता है उनकी हेल्प करते हैं। अगर कोई मिनिमम अफोर्ड कर सकता है तो हम उसको छोटे पैकेज मिनिमम जितनी भी अफोर्डेबिलिटी है उसमें दे देते हैं और कोशिश यही होती है कि जहाँ तक हो सके अपनी कम्युनिटी की हेल्प करें, इंसानियत की हेल्प करें। कम्युनिटी क्या, इंसानियत की हेल्प करें। हमारे क्लिनिक में ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी या मुसलमान ही आ रहे होते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग आते हैं और जिनकी हम हेल्प करते हैं। रुबीना, आपको आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हुई, सबसे पहले तो जॉब्स का मसला होता है, तो जब हम सेटल हो जाते हैं एक जगह तो फिर कम्युनिटी में आप यूनिटी इन कम्युनिटी करती हैं, तो आपने कोई ऐसा किया कि जिसके अंदर लोगों को इंटीग्रेट किया जाए, जिनमें उनकी जॉब्स फाइंडिंग, उनके लिए सही करियर को ढूंढने की कोशिश की जाए, कोई ऐसा आप देखती हैं कम्युनिटी में काम होता हुआ?
कोशिश सबसे पहले मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि जब मैं यूएसए से मूव होकर यहाँ पे आई, वहाँ मेरी बहुत अच्छी एयरलाइन में जॉब थी। मैंने जब यहाँ पे आके ट्राई किया कि मुझे एयरलाइन में जॉब मिल जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यू हैव टू हैव अ 5 ईयर, यानी कि आपके पास यहाँ का रेजिडेंसी होनी चाहिए, पासपोर्ट, देन यू कैन गो इनसाइड द एयरपोर्ट और आप पायलट से बात कर सकते हो। मेरे पास 5 साल तो नहीं थे, एक्सपीरियंस दिल के वहाँ का बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैंने कहा कि फिर जॉब, जब मैंने अपने लिए जॉब सर्च करनी शुरू की, तो हर कोई यही पूछता था कनेडियन एक्सपीरियंस कितने हैं तुम्हारे पास, विच वॉज नथिंग। हालांकि यूएसए का एक्सपीरियंस तो बहुत था जो यहाँ पे बिल्कुल काउंट नहीं हो सकता था। खैर, बहुत हार्डशिप्स हुई, काफ़ी मुश्किलों से गुजरने के बाद फिर जब हमने ये क्लिनिक खोला, तो मैंने उससे पहले जब मैं पर्सनल इंजरी में आई, तो मेरा काम ये था कि जो अपनी कम्यूनिटी के लोग या दूसरे कम्यूनिटी में, उसमें एडवर्टाइज़ होता था, मेरे न्यूज़पेपर्स में, टीवीज़ पे, हर जगह पे एड चल रहे होते हैं सारे, तो लोग कॉन्टेक्ट करते थे किस तरह हमारा एक्सीडेंट हुआ है, सो बट वी हैव टू डू नाउ। तो फिर जब मैंने इसके साथ, जब मेरे हस्बैंड का क्लिनिक खुला, फिर मैंने भी उनसे कहा कि बाज़ दफ़ा हमारी लॉ फर्म को भी ज़रूरत होती है आपके साथ मिलके काम करने की, और आपको हमारे साथ ज़रूरत होती है। तो इस तरह एक तो वो मेरा काम हैंड टू हैंड चलता गया। दूसरा, जब मैंने हमारे जिस के अम्ब्रेला के अंदर मैं काम कर रही हूँ, यूनिटी इन द कम्युनिटी के अंदर, हमने सबसे पहले एक अपना उसमें भी रखा हुआ है कि अगर जिसको, जो न्यू कमर्स आते हैं, उनको जॉब की ज़रूरत है, तो हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म में हैं जिसके पास डिफरेंट लोग डिफरेंट टाइप के काम कर रहे हैं, उनके पास जो भी वैकेंसीज आती हैं वो हमें बताते हैं कि हमारे पास ये हैं, अगर आपके कोई किसी की एलिजिबिलिटी है तो वो अपने रेज्यूमे दें, तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा। फौजिया, आपकी तरफ आती हूँ। प्रोफेशनल काम करने के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर पे कनाडा में गाने के लिए आपको उस्ताद होना और तरबियत होना बहुत ज़रूरी है। क्रियोकी सिंगिंग का बहुत रवाज है, जिसमें कि बहुत से, जिसको हम कहते हैं कि हमारे मशरूम आर्टिस्ट्स हो जाते हैं, और वो फिर कहीं ना कहीं चल पड़ते हैं। लेकिन क्या आप समझती हैं कि आर्ट की अप्रिसिएशन पाकिस्तानी कम्युनिटी में गाने बजाने की खास तौर पे इस तरह हो रही है? कोई स्कूलिंग है, कोई उस्ताद हैं, कोई तरीका है, कोई पॉसिबिलिटी देखती हैं आप? है मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा यहाँ पे है नहीं, और जैसे लोगों को बस उनको आज के ज़माने में हर बंदा समझता है कि हमें सब कुछ आता है, और मेरे हमें और बेसिक तालीम होना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि हम गए और गा दें, मुझे भी लगता है कि शायद मैंने कभी ये रियाज़ किए हुए होते और बाकायदा किसी उस्ताद से सीखा होता तो बहुत फ़र्क होता। लोग कहते हैं यार आवाज़ तो बहुत अच्छी, थोड़ी मेहनत और करो ये तो मतलब इस तरह बताएं लोग, लेकिन हम लोग इतना इसलिए इंपॉर्टेंस नहीं देते कि यहाँ पे हमने कोई कमाना खाना तो है नहीं इस म्यूज़िक की वजह से। मेन तो आपका जो काम है, लेकिन ये कि हाँ, अगर आप एक चीज़ कर रहे हो तो वो अच्छे प्रॉपर तरीके से करो तो वो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, हमारे पास नाज़िया हसन ज़ुहैब हसन की मिसाल है, उन्होंने इंग्लैंड में रह के पढ़ा म्यूज़िक को और उसमें बहुत सा काम किया। तो आपको, जो आपके साथ बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो काम करते हैं, उनसे क्या मुश्किलात हुई, कैसे कभी आपको किस किस्म के उसमें से गुजरना पड़ा? अच्छा, ग्रुप्स वगैरह में ये होता है कि जैसे मैंने कहा, जो यहाँ पे पुराने सिंगर्स हैं वो ज़ाहिर है वो समझते हैं हम ज़ाहिर है वो मंझे हुए हैं, उनको लगता है बहुत अच्छे, तो वो जब भी कोई नया सिंगर होता तो उसको ऐसे ही हल्का लेते हैं, थोड़ा हल्का लेते हैं। चलिए, एक प्रोसेस होता है, एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आपने चलना सीखना, उस्ताद सीखना तो पड़ता है। अभी एक बहुत बड़ी इंडियन आर्टिस्ट थी, तो उनसे किसी ने कहा कि आपने ये रोल जो है वो उसको नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस जगह पे पहुंची हूँ, बड़ी सारी जगहों पे मुझे निकाला गया, रिजेक्ट किया गया, और उसके बाद मैं यहाँ पहुंची हूँ। वो हमेशा जब वो कोई नया सिंगर, उसको भेजते जब खाने का वक्त हो रहा होता, चलो भाई जगह पर अब आप चले जाओ, या बिल्कुल स्टार्ट में जब लोग भी नहीं होते, चलो भाई ऐसे मतलब इस तरह से लोग करते हैं, ये हकीकत है। और लेकिन ये कि हाँ ठीक है, जो प्यार करने वाले और जो सुनने वाले हैं वो तो आपको हर हिसाब से, चाहे वो आप किसी वक्त भी गाओ कुछ भी करो, वो आपकी केयर करेंगे और आपको सुनेंगे। रुबीना, हमारे यहाँ पे कितनी एजुकेशन है लोगों की, कितनी नॉलेज है लोगों को कि उनको क्या क्या पर्सनल इंजरी के लिए सहूलियात मैसर हैं? हमारे यहाँ पे लोगों को बहुत कम इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको बिल्कुल पता नहीं है कि पर्सनल इंजरीज जब होती हैं तो उनको क्या करना है, या खुदा नखास्ता जब एक्सीडेंट होता है तो उनको क्या करना है।
तो मेरा यही होता है कि सबसे पहले मैं उनको यही बताती हूँ कि एटलीस्ट आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है उसका पता होना चाहिए कि आपको जब आपका एक्सीडेंट होता है रोड पे जा रहे हो, आप ज़रूरी नहीं कि एवरी टाइम आपकी फॉल्ट हो, किसी दूसरे की फॉल्ट की आपकी सज़ा भुगतनी पड़ती है, तो आप ये है कि सबसे पहले आपने जो बेसिक है, आपका एक्सीडेंट हो गया है, आपने सबसे पहले पुलिस को कॉल करनी है, क्योंकि पुलिस के आएगी तो आपके पास विटनेस होगा कि पुलिस को पता होगा कि किसका फॉल्ट है किसका फॉल्ट नहीं है। उसके बाद सेकंड थिंग जो है, अब आपको पता होना चाहिए कि आपके बेनिफिट क्या हैं। आप जो इस मुल्क में आते हैं, सबसे पहले आपको गाड़ी लेते हैं तो आपको इंश्योरेंस देनी ही होती है नो मैटर वॉट, और आपकी पता है कि आपका हमारा प्रीमियम यहाँ पर किस कदर हाई है, मिसिसागा ब्रैम्पटन का, और आप एक अच्छी ठीक ठाक अमाउंट उनको देते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसके बदले में खुदा नखास्ता का आपको एक्सीडेंट होता है तो आपके कुछ बेनिफिट भी हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। तो वही मैं उनको बताती हूँ हमेशा कि आप अपने किसी भी लॉयर को, किसी भी लॉ फर्म को कॉल करके उनसे पता करें कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। डायरेक्ट अगर आप इंश्योरेंस से डील करते हैं तो आई मीन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को का सामना करना पड़ता है, आपको नहीं पता कि इंश्योरेंस आपसे क्या क्वेश्चन करने वाली है, आपने उसका आंसर कैसे देना है, आपको किस तरीके से वो पूछ रहे हैं, आपको किस तरीके से उन्होंने, क्योंकि हर कोई हर फील्ड में आपको आपने देखा है जितने भी प्रोफेशनल होते हैं उनका अपने कोड होते हैं, अपना तरीका होता है उनसे बात करने का, उनसे पूछने का, तो यू नेवर नो कि किस तरीके से आप ट्रैप हो रहे हो, आपको किस तरीके से पूछा जा रहा है, और आपने एंड ऑफ द डे आपको क्या मिलने वाला है, आपको हो सकता है कुछ भी ना मिले या हो सकता है कि आपको इसके बदले में आपके बेनिफिट पूरे मिलें। अगर आपको इंजरीज हुई हैं तो यू शुड क्लेम फॉर दैट, अगर आपको उसके लिए क्लेम करना चाहिए ताकि इट्स गुड फॉर यू, आप अपने ही पैसे वापस ले रहे हो, ये नहीं कि इंश्योरेंस बाज लोग कहते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी कम्युनिटी में देखे हैं जो कहते हैं कि नहीं हम उनको प्रॉब्लम में खैर है हुआ थोड़ा सा हुआ अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि ये जिस मुल्क में आपको रह रहे हो आपकी इंजरीज विद इन अ ईयर किसी वक्त विद इन टू ईयर किसी वक्त भी वापस आ सकती हैं, उसके बाद आपके पास कोई बेनिफिट नहीं होते हैं, फिर आप कहाँ जाओगे। तो जब आपके पास बेनिफिट हैं तो उनको यूटिलाइज़ करो, उनको इस्तेमाल करो। आप नाज़रीन हम इन मसाइल के ऊपर गुफ्तगू को जारी रखेंगे, देखेंगे कि हमें क्या क्या सहूलियात मैसर हैं, एक्सपर्ट्स की राय हमेशा लेनी ज़रूरी है किसी भी मसले के ऊपर, इन सब चीज़ों को लेके, इन एक्सपर्ट्स को लेके और मसाइल को लेके हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, मगर इससे पहले चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। पंडित विजय राम, अ फेमस एस्ट्रोलॉजर एंड साइकिक हीलर, पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, होरोस्कोप। पंडित विजय राम का कहना है इनके पास आपकी तमाम समस्याओं का हल है। काले जादू का तोड़, आपका महबूब आपके कदमों में, आपकी मैरिज, जॉब, कारोबार, बीमारी और कोर्ट कचहरी समेत तमाम समस्याओं का हल, तमाम धर्मों के बहन भाइयों की मुश्किलात दूर कर सकते हैं। ऑल रिलीजन वेलकम। पंडित विजय राम से राबता कीजिए 6473912133, 6473912133, एड्रेस 5330 यंग स्ट्रीट, नॉर्थ यॉर्क, टोरंटो। वेलकम टू कम्युनिटी डिबेट। हम बात कर रहे थे कायरोप्रैक्टरी, उसके साथ साथ इंश्योरेंसेस और हमारा सिस्टम, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट की पजीराई ना होना, और उसके साथ साथ हमारे पास सिंगर थे, सिंगर की मुश्किलात। इस सिलसिले को हम फिर से जोड़ते हैं वहीं से जहां पे हमने ख़त्म किया। आपकी तरफ आती हूं फाजिया, क्या आप देखती हैं कि कैनेडियन सोसाइटी बहुत ज़्यादा आर्ट और कल्चर पे तवज्जो देती है, ख़ासतौर पे क्योंकि बहुत डाइवर्स है और इसमें बहुत और बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो उनके बहुत छोटे छोटे स्कूल हैं, आर्ट के स्कूल हैं, तो आप पाकिस्तानी कम्युनिटी का क्या रवैया देखती हैं आर्ट के बारे में, क्या वो फ़र्क है बैक होम से या वही चीज़ें यहाँ
آپ کیسے کہنا چاہیں گی اس کو؟ آئی تھنک پاکستانی کمیونٹی، پاکستانی مینٹیلٹی وہ تو سیم ہی ہے. وہ لوگ جیسے پاکستان میں ہمارے یہاں میوزک کو، ڈانس کو اتنا اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، اسی طرح یہاں پہ بھی وہ بچوں کو نہیں آنے دینا چاہتے. سب چاہتے ارے مسجد میں تھوڑا نماز پڑھو، اللہ کے پاس ظاہر مرنا ہے، یہ کرنا ہے، جو بھی کچھ ہے. لوگ زیادہ تر دعا یہ کوشش یہ ہوتی ہے پیرنٹس کی کہ بھائی بچہ پہلے ہمارا دین سیکھ لے، اس کے بعد یہ ناچ گانا تو وہ خود ہی سب کو آ ہی جاتا ہے، اس کی ضرورت نہیں سیکھنے کی. تو اس حساب سے ہمارے ہاں کوئی ایسا کچھ نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے اسکول ہونے چاہیے بچوں کو، بیسک تھوڑی بہت، کیونکہ میوزک تو بنگال سے جو لوگ آتے ہیں بنگال میں تو ایک کلچر ہے کہ آپ ایک انسٹرومنٹ ساتھ سیکھ لیتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت بڑے سنگر جو جس کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمارے نصرت فتح علی خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے بہت بڑا ایک سرمایہ ہے، ایک کلچرل ہیریٹیج ہے جس کو ہم کیری کر کے دنیا کے سامنے بہت فخر سے کہتے ہیں. تو ابھی بھی آپ سمجھتی ہیں کہ رویہ نہیں بدلا؟ میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا کچھ ہے، لیکن جو کہ مجھے لگتا ہے یہاں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک میوزک جو ہے وہ ایک سکون دیتا ہے ہمیں. ہمیں جو آپ الٹی سیدھی چیزوں میں بچے پڑھتے ہیں، اور اگر آپ میوزک کو لے کے چلو تو وہ ایک اچھا ایسا، کبھی آپ نے نہیں سنا گا کوئی مجرم ہوگا جو میوزک سے ریلیٹڈ. میرا خیال ہے، مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا کامنگ ہے اور سودنگ ہے. اور آرٹسٹ، ہاں آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ سنگر اور آرٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ مجرم ہیں، سافٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کا کیتھارسس میوزک. بالکل بالکل، مطلب یہ کہ بہت ضروری ہے، میرے خیال میں تھوڑا بہت بیسک ہونا چاہیے. دیکھیں انڈیا میں شروع سے سکھاتے ہیں میوزک ان کو، ڈانس بھی اور ان کو کلاسک، ان کے کلاسک. ہماری اپنی بہت اچھی آرٹسٹ تھیں، طلعت سم تھنگ ان کا نام تھا، جو انٹرنیشنلی بہت اچھا کتھک ڈانس کی بہت بڑی نمبر ون لیڈی رہی ہیں بہت عرصہ تک. تو آپ کی طرف اب آتی ہوں واپس جی. روبینہ، آپ یہ بتائیے کہ پرسنل انجری کو ہم نے ڈسکس کیا، اس ساری باتوں کو لے کے چلے، تو خواتین جو ہیں وہ کتنا کو پارٹیسپیٹ کرتی ہیں کمیونٹی ایکٹیویٹیز میں، اور ان کو کتنا اس کے اوپر اجازت ہے، یا ان پہ کیا پابندی ہے، یا آپ کیا دیکھتی ہیں ان کے رویوں میں؟ آپ دیکھیں ہماری جو لیڈیز ہیں وہ جس میں جو میں نے دیکھا ہے، جس امبریلا کے انڈر میں کام کر رہی ہوں، ہمارا سب سے مین، ہم نے، میں اسی لیے یونٹی ان کمیونٹی میں جو ویمن سائڈ کی پریزیڈنٹ تھی وہ میں بنی تھی. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ لیڈیز ہمیں آئیں، جوائن کریں، اور ہمارے ہینڈ ٹو ہینڈ ہم جا کے آدمی، جس طرح آدمی کام کر رہے ہیں، ڈونیشنس لے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں. لیکن ہمیں بہت زیادہ سکسیس نہیں ہوئی. عورتیں، ہم نے کافی ان کو پش کیا کہ وہ بھی باہر نکلیں، ہمارے سیمینارس میں آئیں، ہمارے ڈفرینٹ ڈبیٹس ہوتی ہیں اس میں آئیں. کافی حد تک پہلے شروع میں تو ہمیں کافی سکسیس ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ کچھ سیمینارس کے بعد، یعنی کہ وہ غائب ہو جانا، کوئی ہمیں زیادہ اتنا زیادہ رسپانس نہیں ملا لیڈیز کی طرف سے کہ وہ بھی آ کے تو ہمیں سپورٹ کریں. اور وہ بھی بعض بہت کے انیشیٹو ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، لیکن پھر ہمیں کافی پش بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن سکسیس از ناٹ ویری گڈ فرام وومن سائڈ. ویمن سائڈ سکسیس تھی. تو آپ گانے کے ساتھ ساتھ انشورنس کے اس پہ بھی کرتی ہیں، تو اس سلسلے میں تھوڑا سا ہم ایسا شیئر کیجیے کہ یہ کیا ہے، اور اس سے کیسے ہیلپ ہوتی ہے، اور لوگ اس کو کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ جس طرح ہماری کمیونٹی میں گانا بجانا اتنا پسند نہیں کرتا، اسی طرح لوگ انشورنس کے نام سے بھاگتے ہیں. جیسے ان کو بتاؤ لائف انشورنس، اچھا اچھا ہمیں تو مرنا نہیں، اور پڑوسی نے کچھ ہوگا تو اسی کے کام آئے گی نا، تو اس طرح کا. یا ہم مر جائیں گے تو ہماری بیوی بچے عیش کریں گے، ان کے پاس پیسہ ہوگا تو ہم کیوں چھوڑ کے جائیں. مطلب لوگوں کے سب سے پہلے یہ خیال آتا ہے کہ شاید ہم مریں گے اور جو پیسہ ملے گا ہماری بیوی بچے کیوں عیش کریں نا، مطلب وہ اس لیے. لیکن میں ان کو بولتی ہوں کہ بھائی میں جو انشورنس آپ کو دے رہی ہوں آپ کو زندگی میں کام آئے گی، کیونکہ آج تین میں سے دو بندے کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے، یا ہارٹ اٹیک وغیرہ سے ہوتا ہے. تو ان لوگوں کا مطلب یہ کہ یہاں پہ بیماریاں اتنی زیادہ ہیں تو آپ اس کو سوچ ہی نہیں سکتے. یہ تو سوچتے نہیں کہ ہم مریں گے، ہم پر بھی بیمار بھی پڑیں گے. بیمار ہوں گے تو سب سے پہلے افیکٹ کیا کرے گا، انکم رک جائے گی، تو وہ انکم کس طرح آئے گی اس کا ان کو نہیں پتا. جبکہ اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری ہوتی ہے تو ایک لم سم چیک ہمارا ہم دیتے ہیں اس بندے کے ہاتھ میں کہ بھائی تم بیمار ہو، ٹھیک ہو جاؤ، اتنے عرصے تک تم اپنا سارا جو چیزیں گھر بار سب کچھ چلا سکو ایزیلی. جیسے ابھی میں نے اپنی میری ایک کلائنٹ تھی، میں نے اس کو سنگل مدر،
तो जब मैं उसको इंश्योरेंस दिखा रही थी उसके बच्चे के लिए, मैंने कहा कि क्रिटिकल इलनेस ले लो, तो उसने कहा छोटा बच्चा है। तो उसकी इंश्योरेंस बहुत सस्ती थी, मैं हमें $30 के करीब थे, तो उसमें हमारी एक इंश्योरेंस ख़त्म हुई थी, उसमें ऑटिज़म जो यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चों में डायग्नोस होता है वो था, और Type 2 diabetes। तो हमने कहा था कि ले लो, तो उसने उस वक्त तो वो सोचती रही, लास्ट डे पर उसने बोला ठीक है मुझे, मैं आ जाओ मैं सिग्नेचर कर देती हूँ, वो फाइनल कर दिया। तो मैं हमें लास्ट ईयर मैंने किया था, फिर मेरे पास जब कॉल आई दिसंबर में उसकी, तो उसने मुझे बोला कि फौजिया मेरे बच्चे को ना ऑटिज़म डायग्नोस हुआ, क्या वो उसको मिलेगा क्लेम या नहीं। तो मैंने कहा वाई नॉट, जब हमने उसको जब मैंने उसका क्लेम अप्लाई किया तो उसको 100,000+ उसने जो 300-400 प्रीमियम पे किया था वो सब कंपनी ने एक चेक काट के उसको दिया था। तो उस वक्त वो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी वजह से उसको वो इतनी खुश हुई कि उसने मुझे कहा ये तो मेरे लिए पता नहीं कितना बड़ा रकम है जो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ उससे अपने बच्चे के लिए। उसको नहीं तो उसका सेकेंड बेबी होता है, पहले ही अपनी इंश्योरेंस के लिए लिए कि नहीं मुझे अपने बच्चे के लिए चाहिए। रुबीना, अवेयरनेस हर चीज़ की बहुत ज़रूरी है, बहुत और ख़ास तौर पे डोनेशंस की जब बात आती है, हमारी लोकल ज़रूरियात बहुत बढ़ गई हैं, हमारी कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बिल्कुल जैसे उन्होंने बताया कि लोगों को भी अवेयरनेस ही नहीं है कि उन्हें क्या क्या सिस्टम ने सहूलियात दी हुई बिल्कुल है, तो आप क्या समझती हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए और क्या क्या मुश्किलात हैं अभी भी? आप किस सिलसिले में पूछना चाह रहे हैं इसको? मेरे आई मीन यूनिटी एंड कम्युनिटी का भी और जनरली भी जनरली आपकी? हाँ नहीं, अब वाकई एजुकेशन और अवेयरनेस दोनों ही जो हैं वो बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है कि उन्होंने उनको किस चीज़ के बारे में कितनी अवेयरनेस है। छोटी सी बात बताती हूँ कि हमारे यहाँ पे जो लोग जॉब करते हैं उनको उनकी जॉब की तरफ से एक उनके मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और वो अपनी उसके जब भी उनका चेक करता है उसमें से उनकी एक ठीक ठाक अमाउंट जाती है उसमें। इसका मतलब ये होता है कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। फ़र्ज़ किया अगर आपको बैक पेन है, आपको शोल्डर पेन है, आपके मसल, हर कोई कंप्यूटर के ऊपर तो काम कर रहा होता है, उसको तो रिलैक्सेशन चाहिए होती है, मसाज की फैसिलिटीज़, और लेकिन वो लोग हमारे बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं उसको किसी के। मैंने इतने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं वो आते हैं और कहते हैं हमारे पास तो ये है लेकिन 7 साल से पड़ा हुआ है, कभी यूज़ नहीं किया, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये कैसे हो सकता है कभी ज़रूरत? बैक पेन तो होती होगी, सर में दर्द तो होती होगी, जिस्म के किसी हिस्से में ज़रूरत तो पड़ती होगी, लेकिन आप उसको इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट इट्स ओके, टाइलेनॉल खा लेंगे, लेकिन जिस्म को रिलैक्सेशन नहीं देनी आपने। एक सहूलत है आपके पास, आप उसको यूटिलाइज़ करो, अपने जाओ अपनी फिजियो करवाओ, अपना मसाज करवाओ, अपने आप को फ्रेश करो ताकि नेक्स्ट डे आप काम करने के और काबिल ये कोई हो जाओ। बीमारी नहीं है, डेफिनेटली थेरेपी का मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हो तो आप जाओ, ये भी नहीं है कि आपको कोई तकलीफ है तो फिर है। इसका भी मतलब नहीं। इसी तरह जैसे आप अपने मसाज करने वाले को घर बुलाते हैं, डेफिनेटली आपने अपने घर में मसाज कर, सर्दियों में पाकिस्तान में बैक होम में करते हैं, आपको एक ऑर्गेनाइज प्रोफेशनल आपको पैम्पर करते हैं आपको अच्छे तरीके से ताकि आपके सारे मसल जो हैं वो रिलैक्स हो, ताकि रजिस्टर्ड होते हैं जो कि आपके पॉइंट्स को आपकी जो एग्जैक्टली हमारे पास सब रजिस्टर्ड RMT जिसको रजिस्टर्ड मसाज थेरेपिस्ट कहते हैं, और इसके बाद फिजियोथेरेपी। मेरा अपना बेटा भी ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर DPT डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट बन के आया है, और आप यकीन करें कि जिस तरीके की वो एक्सरसाइज, उसके हर जगह सेमिनार्स हो रहे हैं, किसी एक ने उसका कोई सेमिनार देखा था, अब उसको माशाल्लाह हर जगह बुलाया जा रहा है, वो जाके जिस तरीके से आपको एक्सरसाइजेस बताता है डे टू डे वर्क करने वालों के लिए कि आप जिस तरह आप इस चेयर पे भी बैठे हुए हो तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। सबसे पहले आपको अपना पॉस्चर ठीक करना है, और उसके बाद आपको बैठे बैठे भी 3 एक्सरसाइज ज़रूर करनी है ताकि आप अगले 2 घंटे के लिए आपकी बॉडी जो है वो सही रहे। तो एजुकेशन होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, और इसका ये है कि इसको आप हर चीज़ तो गूगल पे नहीं है ना, बात चीज़ें आपको खुद थोड़ी सी एफर्ट करके तो उनके ऊपर काम करना पड़ता है। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करें, आप दोनों ख़वातीन हमारे थ्रू व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें, फौजिया आपसे शुरू करूँगी। मैं आप लोग को ये मैसेज ज़रूर दूँगी कि इंश्योरेंस हम सब के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लोग को थोड़ी सी भी उसके बारे में बेनिफिट्स जानना है तो आप मुझे सिर्फ एक कॉल कर सकते हैं, और मुझसे आधे घंटे की एक मीटिंग रखें, आपको अगर लगे कि वो आपके लिए बेहतरीन है तो आप लीजिए, और अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है। आप कुछ कहना? जी मेरा भी अपनी पर्सनल इंजरी के लिए ही कहूँगी कि अगर खुदा नास्ता आपका एक्सीडेंट होता है, आप किसी ज़रूरी नहीं कि आपकी फॉल्ट हो, किसी दूसरे की, इधर वे आपको जो है वो क्लेम करना पड़ता है, और आपको क्लेम के आई मीन बेनिफिट मिलते हैं, चाहे आप फॉल्ट पे हैं चाहे आप नॉट ऑन फॉल्ट हैं, लेकिन एजुकेशन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन लेने में जाने में तो आपका कुछ नहीं जाता ना, आप इस टोटली फ्री,
कोई इसके पैसे नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, इंफॉर्मेशन ले लें, उसके बाद अप टू यू कि आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। और दूसरे अगर आपके पास हेल्थ बेनिफिट हैं तो उनको प्लीज़ अपने ऊपर ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि इट्स गुड फॉर यू। आपको अपनी सेहत का ख्याल होना चाहिए और अपने आप से प्यार होना चाहिए। आप दोनों ख्वातीन का आज के इस प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया और अपने तमाम ख्यालात को शेयर करने का भी बहुत थैंक यू सो मच हलीमा फॉर हैविंग अस हियर। व्यूअर्स, कम्युनिटी की ज़रूरियात, यूनिटी, उसके साथ साथ अवेयरनेस, लोग आपकी हेल्प के लिए मौजूद हैं, इनसे कांटेक्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप सर्विसेज ही लें, किसी बंदे से रابطہ करके मालूमात ले लेना भी बहुत अच्छी बात है। हमारी ज़रूरियात, हमारे डोनेशंस हमारे लोगों तक पहुंचते हैं। डोनेशन में सिर्फ मटेरियल पैसा ही डोनेशन नहीं होती, आपका टाइम, आपका मशवरा और आपकी खिदमात बहुत सारे तरीक़ों से कम्युनिटी में हो रही होती हैं और होनी चाहिए। घर बैठने से बेहतर है लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, जाइए उनके साथ, अपने मसाइल को शेयर कीजिए, ये भी एक तरीका है खिदमत का। इन तमाम ख्यालात के साथ आज का ये शो देखने का बहुत शुक्रिया। आइंदा फिर हम नए मसाइल के साथ दोबारा आएंगे।